चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने कवर की थी उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसके अंदर कितने परसेंट मेल होने चाहिए, कितने परसेंट फीमेल होनी चाहिए, वो चीज़ें हमने स्टडी की थी। उसके बाद हमने उस वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि क्या प्रॉब्लम फेस की जाती हैं औरतों को जब एक वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करती है, वो एक एंटरप्रेन्योर बनती हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम कोई भी बुक के अंदर नहीं पढ़े, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े, तो नॉर्मली भी हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि और एक औरत को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात हम क्या बताएंगे, हरेसमेंट, सोसाइटी, कास्ट, फैमिली, पैसा, ये चीज़ें हम नॉर्मली भी बता सकते हैं, और यही चीज़ों को हम पॉइंट में लिखेंगे तो वही चीज़ हमारे मार्क्स दिलवा सकते हैं। हमें इस चीज़ के अंदर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। उसके बाद बात आती है कि हम इस चीज को सोल्व कैसे कर सकते हैं, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं। मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट एफर्ट्स ऑन ऑल एरियाज आर रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड देयर ग्रेटर पार्टिसिपेंट इन द एंटरप्रेन्योरशनल एक्टिविटीज। सही जगह पे सही एरियाज के अंदर एफर्ट्स लगाना, इट मीन्स मतलब आप जो जितने भी एरियाज हैं उनके अंदर अपने एफर्ट्स लगाओ, अपने काम करो। ये नहीं है कि आपने जो जैसे कुछ करना है नहीं करना है सोच रहे हो आप, नहीं, अपने जितने भी एफर्ट्स उनको हर एरिया के अंदर लगाएं। फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इफेक्टिवली डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। कंसिडर्ड वुमेन एज स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप फॉर ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कंसिडर्ड करें कि जो औरतें हैं उनका एक टारगेट ग्रुप हो कि भाई हमें ये चीज़ डेवलप करनी है। मतलब एक इंसान का जब एक टारगेट होता है ना, तो वो उस टारगेट के ऊपर काम करता है, उसको पता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने एक बात सुनी है कि एक औरत से ज़्यादा जिद्दी इंसान कोई नहीं है हमारी दुनिया के अंदर। अगर वो जिद करती है तो वो पूरा करके रहेगी। तो जो उसका टारगेट है, जो उसके ग्रुप है, उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने डेवलप करें सारे प्रोग्राम्स को। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड स्कीम शुड बी एक्सटेंडेड टू वुमेन फॉर फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट पार्ट। देखो, पहले औरतों को नहीं पढ़ा जाता था, लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता था। लड़की 13-14 साल की शादी कर दी जाती थी। जैसे हमारी जो मदर्स हैं वो कई बार बताती है कि हमें हमारी जो शादी वो 17 साल की उम्र में हो गई थी, किसी की 15 साल की उम्र में हो गई थी। तो ये चीज़ आप लोग रिलेट कर सकते हैं अपने आप से भी, क्योंकि मेरी मदर मुझे बताती है कि उनकी शादी 17 साल की एज में हो गई थी, और मुझे अब कहते हैं कि मैंने ना जब मैं 20 साल की थी तो मैंने 2 बच्चों को पैदा कर दिया था। तो मैं कहती हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन ये मजाक की बात है। बट ऐसा होता था पहले, एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट उस टाइम पे तो, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सी चीज़ें चलाई हैं कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने चलाई हैं ताकि लड़कियां पढ़ें, लड़कियां भी आगे बढ़ें। और अगर लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे कि हमने प्रॉब्लम्स के अंदर स्टडी किया था कि लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, कुछ रीजंस के अकॉर्डिंगली नहीं करवाई जाती। कई बार किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता है, कई बार किसी इंसान की सोच अच्छी नहीं होती है, सोसाइटी की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत सी चीजों के अंदर अब सपोर्ट कर रही है लड़कियों के लिए, तो अब लड़कियों को पढ़ाया जाता है, और अगर वो पढ़ेंगी तो फिर वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वॉज एडुकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मैनेजमेंट स्किल्स टू प्रोवाइड थ्रू वुमेन कम्युनिटीज। एक अच्छी स्किल प्रोग्राम उनके लिए सेटअप किया जाए मैनेजमेंट करने के लिए, कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वुमेन जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए, उनकी जो क्वालिटी है, उनको क्या करना सही लगता है, किस तरीके से करना सही है, किस तरीके से अगर वो करेंगी तो उनके एफर्ट्स कम लगेंगे और टाइम कम लगेगा और उनका काम भी हो जाएगा। तो उनके लिए, उनको उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए। नेक्स्ट है हमारा एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेंट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि भिड़े के ज़माने में जो बात करता है भिड़े, कि तारक मेहता के अंदर आप लोग देखते भी होंगे कि उसके ज़माने में क्या होता था, औरतें किसी भी घर के डिसीजन के अंदर, किसी भी काम के अंदर अपना कोई भी राय नहीं देती थी, ना तो उनको पता होता था कुछ भी और ना वो राय देती थी, वो सिर्फ चूल्हा चौका और बर्तन झाड़ू पोछा वही करती थी। बट अगर आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बनानी है या औरतों को आगे बढ़ाना है,
और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है तो औरतों का पार्टिसिपेंट करवाना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो डिसीजंस लिए जाते हैं। वोकेशनली ट्रेनिंग टू बी एक्सटेंडेड टू वुमेन कम्युनिटीज दैट एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और भी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जाए कि प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगी, हम प्रोडक्शन को मैनेज किस तरीके से करेंगे, वो सब ट्रेनिंग भी वुमेन्स को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट टू बी डन इन वुमेन पॉलिटेक्निक्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्किल्स आर पुट टू वर्क इन ट्रेनिंग एंड सम्स प्रोडक्शन वर्कशॉप्स। स्किल्स को डेवलप करना उनकी, जैसे औरतें किस तरीके से काम कर सकती हैं, इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्किल्स और भी ज़्यादा डेवलप होंगी, और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑन प्रोफेशनल कंपटिशंस एंड लीडरशिप स्किल्स टू बी एक्सटेंडेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जाए कि ताकि वो जो उनके कंपटीशन के अंदर जो भी मेल हैं उनको वो बीट कर पाए। एंड ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू रिमूव साइकोलॉजी कॉजेज लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ सक्सेस। देखो, किसी को कोई काम सिखाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ आप नॉर्मली समझें। अगर आप किसी भी काम को करना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे उस चीज़ के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे, ये चीज़ नॉर्मल है। ट्रेनिंग के थ्रू हो जाएंगे, प्रोग्राम्स के थ्रू हो जाएंगे और एक्सपर्ट बंदों के थ्रू हो जाएंगे, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ये चीज़ मैं नहीं कहूँगी, ये चीज़ औरतों के लिए ही ज़रूरी है, बट क्या होता है कि औरतों को पहले की जो ज़माना है, पहले का जो हमारा टाइम चलता आ रहा है, उससे यही चीज़ सिखाई गई है कि आपको चूल्हा चौका और खाना, मतलब जो बर्तन झाड़ू पोछा वही करना है। तो उस चीज़ से उनको निकालना, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाना और उनको ये चीज़ बताना कि हाँ आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भाई उनको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाना, उनको सक्सेस। देखो, कॉन्फिडेंस की मोटिवेशन की ज़रूरत मैन को भी होती है, ये नहीं आदमियों को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। देखो, होती सबको है कॉन्फिडेंस की जरूरत, पर पता है क्या होता है, आदमी को क्या होता है कि उसको स्टार्टिंग से बोला जाता है कि आप ये करोगे या आप ये कर सकते हो और आपको ये जॉब करनी पड़ेगी या आपको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको कमाना है, तो उसका माइंडसेट उस तरीके से सेट कर दिया जाता है। एक लड़के का माइंडसेट उसी तरीके से एक लड़की का माइंडसेट कर दिया जाता है कि तुझे पढ़ना लिखना, बाकी जाके अपने अगले घर काम करना है भाई जो भी वो करवाएंगे। तो वो चीज़ को चेंज करके, उस मेंटलिटी को चेंज करके, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवा के, फिर उनको एक उनका जो डर है ना अंदर कि भाई मुझे सक्सेस किस तरीके से मिल सकती है, मैं कैसे कर सकती हूँ, उस डर को ख़त्म करके फिर आपको ऐसी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ताकि वो लोग अपने डर से जीतें और एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने की कोशिश करें। नेक्स्ट है काउंसलिंग थ्रू द एड ऑफ कमिटेड एनजीओस, साइकोलॉजिस्टिक्स, मैनेजर एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल पर्सनल शुड बी प्रोवाइड टू एग्जिस्टिंग एंड एमर्जिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाए एनजीओस के थ्रू, जो औरतें बिजनेसेस चलाती हैं उनके थ्रू। जैसे लोग, औरतें जो हैं वो इंस्पायर होती हैं औरतों को ही देख के, क्योंकि वो जलती भी उनसे हैं और वो इंस्पायर भी उनसे होते हैं कि ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उनसे काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाए, एक्सपर्ट बंदों से काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो चीज़ वो खुद भी अपने अंदर अपने डर को हटा के अपने चीज़ एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंटिन्यूसली उन चीज़ को मॉनिटर किया जाए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए जाए। एक्टिविटी इन विच वुमेन्स आर ट्रेंड शुड फोकस ऑन देयर मार्केटेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लोग जो औरतें हैं उनको ट्रेन किया जाए कि उनका फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, मार्केट के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर। भाई मार्केटेबिलिटी किस तरीके से चल रही, मार्केट किस तरीके से काम कर रही, मार्केट के अंदर क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रही हैं, और आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है, उस चीज़ के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। मेकिंग प्रोविजन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट पार्ट, प्रोविजन्स को बनाना और जो भी सेल्स असिस्टेंट्स हैं, सेल किस तरीके से करनी है वो सब चीज़ें बनाना, उनको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आना चाहिए। टू एनक्रेज मोर पासिव
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स द वुमेन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज दैट टू रिकॉग्नाइज हर ओवरऑल साइकोलॉजी नीड्स एंड एक्सप्रेस देम। औरतों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि सब चीज़ें पेरेंट्स के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए नहीं होती हैं, आपकी खुद की भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, आपको भी चीज़ों को डेवलप करना है, आपकी स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, आपकी भी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देखो मैं एक चीज़ आपको खुद से एक चीज़ रिलेट करके चलना, जब एक कुंवारी लड़की मतलब अनमैरिड गर्ल लिपस्टिक लगाती है ना, तो बहुत से लोग उसको एक अलग नज़र से देखते हैं कि भाई ये, जैसे मैं रूरल एरिया की बात करूँ तो वो लोग भी सोचेंगे कि भाई अगर हम देसी अगर वर्ड यूज़ करें तो माचनी, मतलब एक अलग ही वे में लेके जाते हैं उस चीज़ को कि क्यों लगाती है ये, तो शादीशुदा लगाती हैं, अब क्यों लगाती है, ये क्यों करती है, वो क्यों करती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है ना। अब मुझे ये लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं लिपस्टिक ना लगाऊं तो मेरी जो पर्सनैलिटी वो कंप्लीट नहीं होती, मेरे को खुद को वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ के अंदर कि हाँ तू अच्छी लग रही है। मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे देश दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, बट मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई एम लुकिंग गुड। तो वो चीज़ होनी चाहिए एक इंसान के अंदर कि हाँ आप अभी सही लग रहे हैं। तो खुद की साइकोलॉजी को चेंज करना कि ये नहीं कि बस उनके लिए जीना, उनको ये सब चीज़ें एक्सप्रेस करें। देन स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट शुड परमिट बाय स्टेट टू एक्सटेंड प्योर ट्रेडर्स रिलेटेड फाइनेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो औरतों को एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पैसे की तंगी, उनको पैसा नहीं मिलता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए पैसा नहीं मिलता, या कोई भी काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता, परमिशन लेनी पड़ती किसी से पैसा लेने के लिए। एक चीज़ आप नोट करना, खुद से रिलेट करना, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत से बहाने मिलेंगे बेटा ये है, बेटा वो है, बेटा ये नहीं है। लेकिन अगर आपके भाई को, आपके पति को कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आपके पेरेंट्स चाहे उठा के लेके दे के आए, चाहे लोन लें, चाहे कुछ करें, उसको पैसा मिलेगा काम करने के लिए। तो फाइनेंस नीड आपकी फुलफिल हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, वुमेन को सपोर्ट कर प्रोवाइड करवाई जाए कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन दे रहे हैं और आपको सपोर्ट मिलेगा कि भाई आजकल तो मिलता है, एट दैट टाइम अगर हम आज की बात करें तो आजकल मिलता है, बट कुछ एरियाज के अंदर, कुछ रूरल एरियाज के अंदर आज के टाइम पे भी सेम चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक वुमेन को एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करने में हेल्प करनी है तो, और उस एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है तो आपके पास फाइनेंस अवेलेबल ज़रूरी होना ही चाहिए। वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैव अगेन एक्सेस टू ओपन एंडेड फाइनेंस, उनके पास कॉरपोरेशन होना चाहिए ताकि उनको फाइनेंस मिले। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड प्रोवाइड मोर वर्किंग कैपिटल असेंस्ड बोथ फॉर स्मॉल स्केल वेंचर फॉर लार्ज स्केल वेंचर। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं वर्किंग कैपिटल, चाहे बड़े स्केल के ऊपर आपका बिजनेस है, चाहे छोटे स्केल के ऊपर आपका वेंचर है, दोनों को ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा प्रोवाइड करवाती है ताकि आप लोग अपनी वर्किंग कर सकें। मेकिंग प्रोविजन ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम एंड इंटरप्राइजेस क्रेडिट सिस्टम टू द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एट लोकल लेवल, एक प्रोविज़न बनाए ताकि उनको माइक्रो क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाए और इंटरप्राइजेस क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाए लोकल लेवल के ऊपर। रिपीटेड जेंडर सेंटिजेशन प्रोग्राम शुड बी हेल्ड ऑन द ट्रेन फाइनेंसर्स टू ट्रीट वुमेन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एज अ पर्सन इन देयर ओवन राइट्स। आप सभी को ये चीज़ पता होगी, अगर कोई औरत अपने काम के लिए, कोई लड़की है, कोई बच्ची है या कोई भी औरत है, तो वो अगर अपने काम के लिए एक रात बाहर रही है ना, तो बहुत से सवाल उठाती है सोसाइटी। लेकिन आज के टाइम पे तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है कुछ एरियाज़ के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगी हर एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर आज भी वो चीज़ें मैटर करती हैं, बट अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन ये चीज़ मैटर करती है कि भाई कहाँ गई, क्यों गई, और ये चीज़ कुछ जगह पे सही भी होती है क्योंकि सेफ्टी मैटर, औरतों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि भाई तू गलत हो सकती है, तू ये हो सकती है, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट
हार्म किया जाता है। तो अगर कोई भी औरत बिजनेस कर रही है तो उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होना चाहिए, भाई तू औरत है तू ये नहीं कर सकती, तू क्यों कर रही है, तू जाना तू अपना काम कर, तू अपना जो करती है चूल्हा चौका वो कर। तो ये चीज उनको फील नहीं करवानी चाहिए। उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के मतलब जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है और वो अगर अपने अच्छे से काम कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एंड शेड्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज इज टू प्रोवाइड बाय स्टेट रन एजेंसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाया जाता है, प्लॉट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं एक एजेंसी को रन करने के लिए वुमेन्स को। इंडस्ट्रियल एस्टेट कुड ऑल्सो प्रोवाइड मार्केटिंग आउटलेट्स फॉर डिस्प्ले एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय वुमेन्स। इंडस्ट्रियल्स जो हमारे एस्टेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाते हैं मार्केटिंग आउटलेट्स और डिस्प्लेस सेल ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे औरतों ने बनाए हैं। जैसे औरतें हमारे पहले के टाइम पे मटका बनाती थी, बहुत सी चीज़ें बनाती थी औरतें हाथ से, औरतें हाथ से जो हम नीचे बिस्तरे बिछाती हैं वो बनाती थी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स गाइडेंस सेल सेटअप द टू हैंडल द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर द स्टेट। गाइडेंस सेल जो है भाई किस तरीके से औरतों को काम करना है, किस तरीके से वो कर सकती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सी गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा लड़कियों को बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, सेफ्टी बताई जाती है आप किस तरीके से कर सकते हैं और आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है क्या चीज़ बेनिफिशियल नहीं है, कहाँ बैड टच गुड टच बच्चों को बता दिया जाता है क्योंकि बच्चे सेफ नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स एंड सिंगल विडो एजेंसीज शुड मेक यूज ऑफ असिस्टेंट वुमेन इन देयर ट्रेड एंड बिजनेस गाइडेंस। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो हमारे और जो विडो चलाते हैं सिंगल असिस्टेंस वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ट्रेड करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए वुमेन्स को, औरतों को। एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स फॉर इंक्रीजिंग एंटरप्रेन्योर्स अमंग वुमेन आर एक्सटेंडेड एट लोकल लेवल। औरतों को एक लोकल लेवल पे एक प्रोग्राम सेटअप करके औरतों को बताया जाए कि भाई किस तरीके से आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं और क्या क्या आपको करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, उनको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाया जाए। ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड शुड स्टार्ट एट द हाई स्कूल लेवल थ्रू वेल डिजाइन कोर्स विच बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू बिहेवियर गेम्स। जब वो हाई स्कूल लेवल पे जाते हैं, 11th 12th के अंदर जाते हैं, तभी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, तभी उनको चीज़ें बताई जाएं, तभी उनके बिहेवियर को चेंज किया जाए कि आप लोग ये नहीं है कि घर का काम करने के लिए पैदा किए गए। देखो एक औरत अगर चाहे ना तो वो घर और बाहर दोनों को ही संभाल सकती है, तो ये नहीं होता है कि वो सिर्फ घर के काम के लिए होती है। और ये नहीं कि आदमी सिर्फ बाहर के काम के लिए बना है, वो भी अगर चाहे तो दोनों ही काम वो भी संभाल सकता है। ये चीज़ आप लोग चेक कर लेना, बट दोनों ही चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकते। तो उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाई जाए कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल वूमेन भी बन सकते हैं और आप अपने आप को किसी से कम भी मत समझो। मोर गवर्नमेंटल स्कीम्स टू मोटिवेट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू एंगेज इन द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल बिजनेस वेंचर। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो वुमेन्स को औरतों को बढ़ावा देती हैं कि भाई आप स्मॉल स्केल वेंचर में आप अपना काम कर सकती हैं या फिर लार्ज स्केल वेंचर पर अपना काम कर सकती हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स एंड काउंसलिंग। औरतों को इन्वॉल्व किया जाए जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, उनको प्रोग्राम्स सुनाए जाए, प्रोग्राम के अंदर लेके जाया जाए, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप भी एक सक्सेसफुल वूमेन बन सकती हैं, आप भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सकती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।